नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी बताते रहूँगा, तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं पंचायत दर्पण पोर्टल पर हम किस प्रकार से जो हमारे प्राप्तियां प्राप्त हुई, रिसीव जो हुआ है, वह किस तरह से हम उसकी एंट्री कर सकें और किस तरह से उसको प्राप्तियों को हम लॉक कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों हम लॉगिन कर लेंगे, हमें PRD.MP.GOV.IN डालना है, इसके बाद लॉगिन करना है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ क्लिक करके सीधे जाएंगे ई पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम पर, यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत पेमेंट, यहाँ पर ग्राम पंचायत भुगतान प्रबंधन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद ये ऑप्शन से जाएंगे तो हम सीधे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर पासबुक एवं प्राप्तियाँ, पहले ही ऑप्शन है पासबुक एवं प्राप्तियाँ। इस पर एंटर करने के बाद दोस्तों हमें क्लिक करना है यहाँ से प्राप्तियाँ दर्ज करें, पहले ऑप्शन से। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ जो भी आपकी पासबुक में जो भी एंट्री हुई होगी वो यहाँ पर पूरी ट्रांजेक्शन डेट दिखेगी, सीरियल नंबर, ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, अमाउंट दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, डिस्क्रिप्शन दिखेगा कैसे आपका आया है। जैसे ये मेरे उसमें 5000 की राशि आई है जो ACH क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ लेबर कमिश्नर द्वारा आई है, तो इसको मुझे ऐड करना है, तो मैं यह ऐड ऑप्शन पर जाऊँगा। ठीक है, अब जैसे हमें मालूम है कि यह योजना हेड कौन सी है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। ठीक है, ये आ गया दोस्तों, ये देखिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद राशि यहाँ लिखी हुई आ रही है, लेन देन की तारीख लिखी आ रही है 19/1/2021। यहाँ दोस्तों रिमार्क में हम और लिख सकते हैं कि अंत्येष्टि सहायता राशि जो मिली है वो। ये लिखने के बाद दोस्तों हम प्राप्तियाँ दर्ज करें पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया सक्सेस, सक्सेस डिटेल्स हैज़ बीन एडेड इन रिसिप्ट। अब मैं क्लोज पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों हम फिर से जाएंगे पासबुक एवं राशि पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन है अपडेट डिलीट लॉक करने के लिए उपलब्ध ड्राफ्ट प्राप्तियों की सूची, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों मैंने आज यहाँ पूरी सभी रिसिप्ट देखने लगेगी। अब जैसे ये मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का 19/1/2021 का ये अभी हमने बनाया है रिसीव, तो अंत्येष्टि सहायता राशि, तो हम इसको एडिट डिलीट और लॉक, तो अब मैं लॉक ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने लॉक पर क्लिक किया, यहाँ सब पूरी डिटेल आने लगी कि ये मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना है, राशि है, दिनांक, रिमार्क आ रहा है इसके। अब इसके बाद हम लॉक करें पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया दोस्तों यहाँ सक्सेस का मैसेज आया, सक्सेस रिसिप्ट डिटेल्स हैज़ बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। अब हम क्लोज पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको दोस्तों हम रिपोर्ट के जरिए देख भी सकते हैं। ठीक है, लॉक किए गए प्राप्तियों की सूची, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जितनी भी जो रिसिप्ट है, जो भी प्राप्तियाँ लॉक करी हैं, वो सब यहाँ पर दिख रही हैं, जितनी भी लॉक करी हैं। जैसे मैंने अभी जो आपको लॉक करके बताई, ये वाली है 19/1/2021 वाली, तो ये भी यहाँ पर शो हो रही है। आपकी सारी लॉक जितनी भी आपने करी हैं प्राप्तियाँ, वो सब आपको यहाँ पर शो होने लगेंगी। अच्छा दोस्तों, इसी तरह से आप रिपोर्ट्स में पहले ऑप्शन से बैंक पासबुक भी यहाँ पर देख सकते हैं। आप ऑफलाइन तो देखते ही हैं, आप ऑनलाइन भी वैसी वैसी एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए पूरी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी बैंक पासबुक की, और इसके बाद दोस्तों आप पूरी एंट्रीज यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट जो भी, पूरी पासबुक को आप यहाँ पर ऑनलाइन देख सकते हैं, जो कि आप ऑफलाइन अपनी जो पासबुक में एंट्री कराते हैं, पूरी ऑनलाइन भी यहाँ पर आप एंट्री को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, और भी मैं आपको हर छोटी से बड़ी जानकारी के बारे में इन्फॉर्म करते रहूँगा दोस्तों, इसके लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।